हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैसी टैट। कैसे हैं आप सभी लोग? होप अच्छे होंगे। हम आज देखेंगे आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है 2022 जाते जाते। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिएगा, गार्जियन एंजल्स गाइड करिएगा, मेरे व्यूवर्स को क्या लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके एक्सपेक्टेड था। आप जिन भी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुद को जकड़ कर रख रहे हैं, खुद को परेशान करके रख रहे हैं, उन चीज़ों को आपको छोड़कर बाहर निकलने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है जिन चीज़ों से आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि मैं क्या करूं। बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके साथ होती होंगी जिसमें आपकी हो सकता है गलती भी ना रहती हो, फिर भी आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा अपने माइंड में हावी कर लेते होंगे कि वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती होंगी। तो उन परेशानियों को आपको इसी साल में छोड़कर जाने की ज़रूरत है। क्यों किसी के लिए परेशान होना? आपके लिए कोई परेशान नहीं हो रहा, तो आप क्यों किसी के लिए परेशान हो रहे हैं? इस एनर्जी को आप समझिए, ये एनर्जी जो है हील करिएगा। जितने भी नेगेटिविटीज़ को हैं उसको छोड़कर खुद को हील कर आगे बढ़ने की सोचिए। इस चीज़ को यहीं छोड़ दीजिए। किसी के लिए कुछ नहीं हो पाता है, आपके लिए जब कोई करे तब आप करिए। ओके अगेन, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर सर्व नहीं हो रही हैं उन चीज़ों को ख़त्म करिएगा। जिन चीज़ों से आपको इन सिचुएशन में जाना पड़ता है कि हमें क्या करूँ, मैं परेशान हूँ, कैसे होगा, क्यों होगा, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ उन चीज़ों से, उन चीज़ों को यहाँ पर आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि आपकी एक नई शुरुआत हो सके। रिलीज़ करिए अपने सारी नेगेटिविटी को, सारी थॉट्स को जो आपको परेशान कर रहे हैं, उन सबको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। देखिए अगेन फिर वही बात आ गई, सच देखिए। सच क्या है आपके सामने? सच देखने की ज़रूरत है आपको, बैलेंस करने की ज़रूरत है चीज़ों को, और सत्य देखते हुए उस चीज़ पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है, ये फंसाओ, फंसने की ज़रूरत नहीं है। हील करिए, खुद को प्रोटेक्ट करिए, खुद को इस एनर्जी से निकालने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। नेगेटिविटीज़ ओवरऑल, मैं जब शफल कर रही थी तब भी एक कार्ड आ रहा था, वो भी नेगेटिविटी का ही था। तो आपको उन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है, उनको यहीं ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि एक अच्छा आप परिवार में आपको फैमिली से आपको रिलेशन आपको अच्छे बनाने की ज़रूरत है। अगर आपके रिलेशन नहीं अच्छे हैं या लव्ड वंस के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, उन चीज़ों को, जो भी मिस्टेक्स हो रही थी, जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, उस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करके एक नई शुरुआत, एक हैप्पी फैमिली की शुरुआत करने की आपको ज़रूरत है। अपने लव रिलेशन के साथ आपको एक अच्छी शुरुआत करने की ज़रूरत है यहाँ पर। एडजस्टमेंट, ओके, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा जो चीज़ें शायद आप अपने ईगो के वजह से नहीं करते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ कर एडजस्ट कर चलिएगा, चलने की ज़रूरत है ताकि आपके साथ चीज़ें अच्छी हो सके। आप एक इनोवेशन कर सकते हैं अपने रिश्ते में, अपने माइंड में, खुद के साथ, सेल्फ लव के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं ताकि चीज़ें जो है वो बैलेंस हो जाएं आपके साथ। एक कार्ड में और लूँगी यहाँ पर। ओके मैं ये ले लेती हूँ, ये तो शफल में बार बार आ रहा था कार्ड, आई नो इसको आना था तो आ गया। देखिए बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाने की ज़रूरत नहीं कि मैं बहुत सही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही हूँ। अगर ये चीज़ें आप अभी तक करते आ रहे हैं तो उसको यहाँ पर छोड़ने के, दूसरों को दिया दिखाने से पहले आपको खुद को रोशन करना है कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं खुश हूँ या नहीं खुश हूँ। दूसरे खुश हों या नहीं हों वो एक अलग बात हो गई। पहले खुद को देखना है, खुद को सोचना है, खुद को खुश रखना है ताकि आप दूसरों को खुश रखें। तो ये भी चीज़ अगर आप करते आ रहे हो कि खुद को दुखी रखकर आप दूसरों को खुश रख रहे हो, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर आपको लटको करने की ज़रूरत है। आप खुद को भी खुश रखिए और दूसरों को भी खुश रखिए, यही आपसे कहना चाहती हूँ मैं। और ज़्यादा जो है किसी को राय मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ सही लगे वहाँ पर दीजिए, जहाँ पर नहीं लगे वहाँ पर मत दीजिए। थोड़ा सा इस चीज़ को भी आपको लेट गो करने की ज़रूरत होगी। तो ओवरऑल जो है, कहने का मतलब है कि नेगेटिविटीज़ जो है आपको सारे रिलीज़ करने की इस साल में ज़रूरत है ताकि नए साल में एंटर करने से पहले आप जो है इन चीज़ों को त्याग दें और एक नई शुरुआत अपने अंदर ला सकें, अपने लाइफ में ला सकें। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे, जिसके साथ करे वो ही ले, बाकी छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।